गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर सांतत्य की जांच करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 का फर्स्ट नंबर। एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन कब हो रहा है, या जब एक्स नॉट इक्वल टू वन है, और इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू टू कब हो रहा है, जब एक्स नॉट एक्स इक्वल टू वन है। तो वन पर हमें इसे सांतत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एट एक्स बराबर वन, या कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू वन, यानी कि एक्स जो हो या तो वन से छोटा होगा या एक्स जो होगा वन से बड़ा होगा। अब लिखते हैं एल एच लिमिट, एल एच लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, तो एक से छोटा के लिए क्या होगा, यही ना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना वन को, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। ऊपर एक बार माइनस प्लस में दो, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स टेंस टू वन, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और बटा में एक्स माइनस वन, यह कट जाएगा, एक्स से जाएगा वन पुट कर दो तो वन प्लस वन टू आ गया। अच्छा, अब आर एच लिमिट निकालोगे, आर एच लिमिट तो आर एच लिमिट में हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, एक से बड़ा के लिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एक से बड़ा के लिए भी यही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन, सेम यही काम करेंगे, इसका भी वैल्यू टू ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एल एच और आर एच लिमिट बराबर हो गया। अब x बराबर वन पे देख लेते हैं, तो x बराबर वन पे टू है ना, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एफ वन बराबर में टू है, तो तीनों तो बराबर आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, यानी एल एच लिमिट लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स बराबर है एफ वन के। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं ना कि अतः एफ एक्स एक्स बराबर वन पर संतत है, एक्स बराबर वन पर संतत है, हमने दिखा दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 का दो नंबर। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस थ्री कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू थ्री है, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू थ्री का मतलब एक्स या तो तीन से छोटा है या एक्स जो है तीन से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू फाइव है कब, जब एक्स बराबर तीन है, तो तीन पर संतता की जांच करनी है। चलिए देखते हैं एक्स बराबर तीन पर यहाँ पे संतता की जांच करते हैं। एल एच लिमिट, एल एच लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, यानी एल एच लिमिट की बात हो रही है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री तीन से छोटा के लिए यही है कंडीशन, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस थ्री। ऊपर फैक्टर करना होगा ना, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, अच्छा यहाँ पे फैक्टर करोगे कैसे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का टू एक्स माइनस का सिक्स बटा में आपका एक्स माइनस थ्री। चलिए ब्रैकेट यहाँ पर बंद करते हैं, अब इसका फैक्टर करते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या होगा। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एक्स टेंस टू थ्री, यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, माइनस प्लस का टू कॉमन होगा एक्स माइनस थ्री बचेगा, और बाई में है आपका एक्स माइनस थ्री। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, वहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री को कॉमन कर लोगे, बचेगा एक्स प्लस टू बाई में एक्स माइनस थ्री, यह कट जाएगा। अब एक्स की जगह आपको क्या पुट कर देना, तीन ना, तो तीन प्लस दो आ जाएगा पाँच। उसी तरह से आर एच लिमिट निकालेंगे, आर एच लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स, तो तीन से बड़ा के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू वही हो जाएगा, एल एच वाला ही देख लो, यही आएगा ना जी, तीन से बड़ा के लिए भी यही हो जाएगा, यानी यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स बाई एक्स माइनस थ्री। सॉल्व करोगे इसको, इसका भी वैल्यू फाइव ही आ जाएगा, तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर आ गया, और एक्स बराबर तीन पर यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू फाइव दिया है, तो एफ थ्री बराबर भी यहाँ पर फाइव है, तो तीनों बराबर आ गए ना। यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स और बराबर में है एफ थ्री, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः एफ एक्स एक्स बराबर तीन पर, एफ एक्स एक्स बराबर तीन पर संतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 का 3 नंबर। एफ एक्स बराबर दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स बराबर 1 दिया है जब एक्स इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर एक्स या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। चलिए यहाँ देखते हैं एल एच लिमिट, एक्स बराबर 0 पे देखना है ना जी, एल एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। चलिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 से छोटा के लिए कौन है, यही ना है आपका 1 माइनस कॉस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो 4 से भाग करो, मतलब 1/4 से यहाँ पे इसके साथ गुना हुआ है, यानी इसके साथ भाग हुआ है 1/4 से, और इसमें भाग हुआ है 4 से। 1/4 से देखो इसकी बात करेंगे तो यहाँ 1/4 से भाग हुआ तो 1/4 से गुना करेंगे, समझ रहे ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है। चलिए अब एक काम करते हैं, यह 2 और यह 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 1/4 इंटू में आपका 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टेंस टू 0, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, यह कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 और बाई में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 1 होता है ना जी, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 ही आएगा। चलो आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट, आर एच लिमिट में होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अच्छा 0 से बड़ा के लिए भी यही ना होगा एफ एक्स का वैल्यू, 0 से ग्रेटर के लिए भी वैल्यू यही होगा, यानी आएगा यहाँ पे 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर, यही ना है। अच्छा इसका भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा 1/2, और एफ 0 पर, फंक्शन एफ 0 पर क्या है आपका 1 है, यानी कि एफ 0 बराबर 1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर है, यानी एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, है ना, लेकिन एट पॉइंट ओ पर बराबर नहीं है, 0 पर बराबर नहीं है, यानी एफ 0 के बराबर नहीं है। अतः कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, असंतत है, समझ गए। चलते हैं आगे, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर इसके चेक करना है। एफ एक्स बराबर दिया है मोड एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू ए है, और एफ एक्स बराबर 1 जब एक्स इक्वल टू ए है। तो इसके संतता की जांच करनी है एट एक्स बराबर ए पर, चलिए देखते हैं एट एक्स बराबर ए पर। चलो देखते हैं एल एच लिमिट, एल एच लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। अच्छा यहाँ पे इसी को ना लिखेंगे जी, इसी को ना लेंगे, 0 से छोटा के, सॉरी ए से छोटा या एक्स जो है ए से बड़ा है, क्योंकि एक्स ए के बराबर नहीं है। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, अच्छा ए से छोटा यही ना होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा मोड के अंदर एक्स माइनस ए बाई में एक्स माइनस ए। चलिए तो ये लेफ्ट हैंड का लिमिट है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा ना, माइनस का एक्स माइनस ए, मोड हटेगा तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड का लिमिट है, और बाई में एक्स माइनस ए। तो इसको काटोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। चलो अब आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट लोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स का वैल्यू, तो ए से बड़ा के लिए, ए से बड़ा है एक्स, इसके लिए यही ना होगा मोड एक्स माइनस ए बाई में एक्स माइनस ए। तो जीरो ए से बड़ा के लिए यहाँ बात हो रहा है, यानी कि ए से ग्रेटर के लिए राइट हैंड के तरफ ये पॉजिटिव ले लेंगे, यानी हो जाएगा एक्स माइनस ए और बाई में एक्स माइनस ए, यहाँ भी कट के 1 आ गया। तो यहाँ माइनस 1 यहाँ 1, यही बराबर नहीं हुआ, और यहाँ भी देखो इसका वैल्यू बना, तो इससे कोई मतलब नहीं, यही दोनों बराबर नहीं है, तो क्या जरूरी है एफ ए निकालने की। ऐसे लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स, अतः एफ एक्स एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर असंतत है, असंतत है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखो 5 नंबर, देखो इसका 12 का 5, एफ एक्स बराबर दिया है साइन 3x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तब, और एफ एक्स बराबर 1 दिया है कब, जब एक्स इक्वल टू 0 है। चलिए देखते हैं एट एक्स बराबर 0 पर इसके संतता की जांच करनी है,
तो यहाँ x जीरो से छोट जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है। चलो यार एल एच लिमिट लेते हैं, एल एच लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो। अच्छा एफ एक्स या जीरो से छोटा यही ना है जी आपको, तो हो जाएगा साइन थ्री एक्स बाई थ्री एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे तीन से भाग और तीन से गुना करेंगे ना, तो साइन थ्री एक्स बाई में थ्री एक्स और इंटू में थ्री, तो इसका लिमिट वन हो जाएगा, अब बच जाएगा वन इंटू थ्री यानी कि थ्री। अच्छा उसी तरह से आर एच लिमिट लो, आर एच लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स यानी जीरो से बड़ा के लिए, यानी लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अच्छा जीरो से बड़ा के लिए भी यही होगा एफ एक्स का वैल्यू साइन थ्री एक्स बाई थ्री। तो यहाँ भी वही करोगे ना यार, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स और इंटू में थ्री, तो इसका लिमिट वन हो जाएगा, वन इंटू थ्री आपका थ्री है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन एफ जीरो की बात करें तो एफ जीरो का वैल्यू वन दे रहा है, तो यह दोनों एल एच आर एच बराबर है लेकिन एफ जीरो यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स यानी एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है उस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ कह सकते हैं अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, यहाँ संतत नहीं है असंतत हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का ए नंबर कह रहा है निम्नलिखित सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं पर तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स संतत होता है। यार एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, एक्चुअल में यह तत्समक फलन इसे कहा जाता है, और एफ एक्स बराबर एक्स एक बहुपद के रूप में भी है, तो हर एक बहुपद फलन संतत होता है हर एक वास्तविक संख्या के लिए, ये तो हमें पता है, लेकिन इसे साबित करना है। तो यहाँ मान लेते हैं माना सी बिलोंग्स टू आर, मतलब सी एक वास्तविक संख्या बिलोंग करता है आर से, एक स्वच्छ अचर है, स्वच्छ अचर है, ठीक है स्वच्छ अचर है। चलिए तो हमें एट x इक्वल टू सी पर चेक करना होगा, डालेंगे लिमिट, देखो तो अब देखो c पर चेक करना है, तो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो एफ एक्स बराबर एक्स के संतत होने के लिए जांच, तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स बराबर सी पर पहले परिभाषित होना चाहिए, तो अगर मैं एफ सी का वैल्यू निकालें तो वो c आ जाएगा, और c एक रियल नंबर है ही, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर सी पर परिभाषित है, परिभाषित है। अच्छा यह इस पे परिभाषित है, तो इसका लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए, इस फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व x टेंस टू c पर होना चाहिए, तभी यह क्या होगा और इसका जो वैल्यू आएगा वह इसके बराबर में होना चाहिए। चलिए तो इसका निकालते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे x है ना, चलिए तो x के अगर c रखेंगे तो c ही आएगा, और c देख रहे हैं यहाँ भी आ गया और यह भी, यानी कि देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू में एफ सी, अतः यहाँ पे कह सकते हैं अतः एफ एक्स बराबर एक्स जो दिया है एक्स एफ एक्स बराबर एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। एफ एक्स बराबर एक्स जो है सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, यही ना दिखाना था। चलिए 13 का बी नंबर देखो, कह रहा है सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषा प्रांत में संतत होता है, यानी कि परिभाषित प्रांत में संतत होता है, इसके हमें साबित करना है, ठीक है। चलिए तो ये कैसे संतत होगा इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको मान लेते हैं, माना fx बराबर tan x। अब चूंकि हम लोग इसके प्रांत की बात करें तो मैंने tan x का प्रांत बताया है, fx का प्रांत आपको बताया है क्या होता है fx का प्रांत, तो fx जो दिया है यहाँ tan x दिया है, तो tan x का प्रांत मैंने बताया है कि r होता है, लेकिन 2n+1 पाई बाई टू को छोड़कर n बिलोंग्स टू z, और चूंकि एफ एक्स बराबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं tan x दिया है, और tan x बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin x बट्टा cos x, और यह भी जानते हैं कि sin x और cos x हर एक बिंदु पर संतत होता है ना, चूंकि sin x तथा cos x x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है,
क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लोगे ना, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू ले लोगे, हर एक पे ये परिभाषित होगा, साइन एक्स भी परिभाषित होगा और कॉस एक्स भी परिभाषित होगा, यानी कि एक्स प्लस स्क्वायर पर ये दोनों संतत होता है। तो यहाँ से जब साइन एक्स और कॉस एक्स संतत होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो टैन एक्स है, टैन एक्स भी संतत होगा, टैन एक्स भी संतत होगा, संतत होगा जहां जहां x किससे बिलोंग करना चाहिए, तो रियल तो होना चाहिए लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आने का मतलब कि cos x, यहाँ cos x जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से बिलोंग नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। यानी कि एफ एक्स बराबर टेन एक्स भी संतत होगा जहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो कोई भी रियल हो सकता है, बस किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, यह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि cos x जहां जीरो नहीं होगा उसके लिए, समझ गए। उसी तरह दूसरा भी है, दूसरा भी सेम tan x जैसा ही है, सेम tan x जैसा ही है। यहाँ पे चूंकि हम लोग मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर में sec x, ठीक है, एफ एक्स बराबर में sec x, तो प्रांत की बात करें तो sec x का प्रांत हम लोग जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, सेम वही बोले नहीं, tan x जैसा ही है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से। तो चूंकि हम लोग fx बराबर यहाँ दिया हुआ है sec x, और sec x का फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई cos x, और हम लोग जानते हैं कि cos x जो होता है x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, संतत होता है, x की जगह कोई भी रियल नंबर लोगे ये हमेशा संतत होगा cos x। और यहाँ पे हम लोग इसलिए कह सकते हैं, चुकी दे दो यहाँ पे, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर sec x एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होगा लेकिन कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि संतत होने के लिए एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहां एन बिलोंग्स करेगा जैसे, यानी कि ये अपने प्रांत पर संतत हो गया। उसी तरह से तीसरा हम लोग निकाल देते हैं, तो तीसरे में आपके cos x के लिए दिया, तो ये भी तो उसी तरह का है, बस यहाँ आप देखो एफ एक्स बराबर, मान लो यहाँ पर माना एफ एक्स बराबर में cos x, तो अगर हम लोग बात करें cos x के प्रांत की, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन एन पाई को छोड़कर, जहाँ एन बिलोंग्स करेगा जेड से। अच्छा, अब अगर हम लोग एफ एक्स की बात करें, तो एफ एक्स बराबर दिया है cos x, तो जिसे 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होता है, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए साइन एक्स का वैल्यू रियल ही आएगा, वो परिभाषित ही होगा, डेट मीन्स संतत होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अच्छा, जब संतत होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर cos x एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होगा लेकिन साइन एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक्स बिलोंग कर जाएगा आर से, साइन एक्स जीरो के बराबर कब नहीं होता है, एन पाई हटा देंगे तभी ना, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर कोई भी एन पाई को छोड़कर, यानी कि इस पर यह फंक्शन संतत हो जाएगा, समझ गए, तो अपने प्रांत पर संतत हो गया कि नहीं। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा चौथा देखें, फर्स्ट सेकंड तो आपसे बन जाएगा, निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार करें। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर, ये तो दिया ही, एफ एक्स बराबर कोई दिक्कत नहीं है, मानने की जरूरत ही नहीं है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए, तो अगर एक काम करें, यहाँ पर एक काम करो आप लोग, यहाँ से 1/2 से भाग, 1/2 से गुना और 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, यानी कि अगर हम चाहें तो अब एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा ना। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना सी बिलोंग्स टू आर एक स्वच्छ अचर है, सी जो है एक स्वच्छ अचर है जो आर से बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर एफ सी के वैल्यू की बात करेंगे, तो 1/2 साइन 2c हो जाएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वह रियल ही होगा,
क्योंकि सी रियल है तो इसका भी वैल्यू रियल से ही बिलोंग करेगा, यानी कि यह परिभाषित है, यानी कि एफ एक्स या लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर सी पर परिभाषित है, पर परिभाषित है। अच्छा, जब यह इस पर परिभाषित हो गया तो अब हमें इसका लिमिट भी निकालना होगा ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। चलिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का वैल्यू 1/2 साइन टू एक्स। तो सी रखना है ना जी, तो हो जाएगा 1/2 साइन टू सी। तो इसका भी वैल्यू और यह दोनों सेम हो गया ना, जब यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू हो जा रहा है एफ सी। अतः यहाँ कह सकते हैं अतः एफ एक्स एक्स एफ एक्स जो है एफ एक्स जो दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू आर पर, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए, ठीक है, एक्स बराबर सी हमने लिया है, सी जहाँ सी बिलोंग करता है आर से, पर संतत है, ठीक है, यानी कि ये हर एक रियल नंबर के लिए संतत हो जाएगा, यानी एफ एक्स संतत फलन हो जाएगा। चलो इसका सेकेंड नंबर भी देख लो, फोर नंबर भी देख लो, दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस, इसी को भी एक सिंगल टर्म में तोड़ेंगे, या तो साइन में कॉस में किसी एक में तोड़ेंगे। तो एक काम करो ना, 1/√2 से गुना, ठीक है, और 1√2 से भी गुना, बैलेंस करने के लिए किए हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो सके। भली बात ही आप लोग जानते हैं, हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं पहले 1/√2 को ही लिखो, 1/√2 साइन एक्स और प्लस 1/√2 कॉस एक्स। यहाँ से अगर देखा जाए रूट टू, अच्छा यहाँ देखो 1/√2 को अगर हम यहाँ कॉस में देखें तो यह कॉस 45 डिग्री, कॉस पाई बाई 4 का हो जाएगा, और इनटू में आपका साइन एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो ये साइन में ले लो साइन पाई बाई 4 का, और यहाँ पर कॉस एक्स, तो यह फॉर्मूला बन जा रहा है ना साइन ए प्लस बी का, तो हो जाएगा आपका रूट टू इंटू में साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। एफ एक्स का वैल्यू यही है। चलिए अब इसको चेक करना है, तो पहले देखना होगा कि एक्स बराबर यहाँ पे एक स्वच्छ अचर लेना होगा ना, तो माना सी एक स्वच्छ अचर है, अचर है, और जहाँ सी बिलोंग्स करता है आर से, जहाँ सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, या ऐसे भी दिख रहा है कि ये साइन के फॉर्म में आ गया तो संतत होगा ही। चलिए तो एफ सी के वैल्यू की बात करें तो रूट टू साइन सी प्लस पाई बाई 4, तो सी के हर एक वैल्यू के लिए यह रियल नंबर होगा, रियल होगा यानी यह परिभाषित है, इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर सी पर परिभाषित है, यानी कि किसी भी रियल नंबर पर परिभाषित है। और जब यह परिभाषित होगा तो इसका लिमिट निकाल के देखेंगे एफ सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना होगा, तो वही है रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे सी पुट कर दोगे तो रूट टू साइन सी प्लस पाई बाई 4, तो यही सेम वैल्यू आ गया ना, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर हो जा रहा है एफ सी के। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू आर पर, या एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर पर संतत है, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए यह संतत हो जा रहा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का दिखाइए, निम्नलिखित फलन संतत है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे दिया गया है, एक साथ दो दो इसमें आपको फंक्शन देखने को मिल रहा है। पहला देखो ना, आपके पास दिया है साइन मोड एक्स, ठीक है, आप एक काम करो, इसको मान लो, कुछ मान लेते हैं इसको एच एक्स बराबर साइन मोड एक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो एक फंक्शन पहले वाले फंक्शन को मान लेते हैं साइन एक्स, और दूसरे वाले फंक्शन को मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक को एफ एक्स मान लिए, एक को जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक फंक्शन को एफ एक्स मान लिए, एक फंक्शन को जी एक्स मान लेते हैं, साइन है और फिर मोड एक्स है, तो एफ एक्स मान लिए साइन एक्स को, और जी एक्स मान लिए इसको मोड एक्स को, ठीक है, इतना मान सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफ ऑफ जी की, तो एफ ऑफ जी को पहले देखना होगा कि ये परिभाषित है कि नहीं, तो परिभाषित होने के लिए हमें पहले देखना होता है कि रेंज ऑफ जी, फंक्शन जी का जो रेंज है सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ एफ के सबसेट है कि नहीं, तब इसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें फंक्शन एफ के डोमेन की, तो इसका डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन जो है वह आर है,
रियल नंबर होता है ना। अच्छा, इसके रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ जी की बात करेंगे, तो इसका रेंज जो होता है वह आपको पता है कि रियल होता है पॉजिटिव होता है, रियल पॉजिटिव होता है, या यहाँ पे कर सकते हैं आपका जीरो से इन्फिनिटी तक होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक होता है, ये आपको पता है ना। चलिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेंज ऑफ जी जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जी जो है वह सबसेट है ना डोमेन ऑफ एफ के, अतः यहाँ कह सकते हैं कि, अतः यहाँ पे कह सकते हैं आप कि आपका फंक्शन एफ ऑफ जी जो है परिभाषित है, एफ ऑफ जी परिभाषित हो, तो पहले तो परिभाषित ही जो होना जरूरी है, अब यह परिभाषित है तो चलिए हम एफ ऑफ जी को दिखाते हैं, एफ ऑफ जी एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है। अच्छा, जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो जी एक्स का वैल्यू मोड एक्स है, और फंक्शन एफ में एक्स के जगह मोड एक्स रखना है, तो हो जाएगा साइन मोड एक्स, जो कि हमने जो एच एक्स माना था उसके बराबर आ गया। तो चूंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन एक्स तथा मॉड एक्स, यानी कि जो एफ एक्स माने हैं, एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स है और जी एक्स बराबर जो मॉड एक्स माने हैं, यह दोनों संतत फलन है। आपको पता है ना कि मॉडुलस फंक्शन और साइन एक्स, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन संतत होता है, संतत फलन है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए दोनों संतत है। अच्छा, एक्स के रियल वैल्यू के लिए हर एक के लिए संतत है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि दो फलन संतत हो तो उनका संयोजन जो होता है, यानी कि इसलिए कह सकते हैं कि इनका संयोजन है ना, फलन एफ तथा जी का संयोजन एफ ऑफ जी भी एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। अतः अतः एच एक्स बराबर साइन मोड एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है, हमने यहां इसे दिखा दिया, समझ गए। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे इसका सेकंड नंबर देखो, दिया ना मोड के अंदर कॉस एक्स, तो एक काम करो इसको एच एक्स मान लेते हैं, एच एक्स बराबर में मोड कॉस एक्स, तो पहले मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करो, माना एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ठीक है, और ये जी एक्स बराबर कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ जी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो रेंज ऑफ जी होगा वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के, तभी ना ये परिभाषित होगा। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग फंक्शन एफ के डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ की बात करें, तो इसका कोई भी रियल नंबर प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, और इसके रेंज की बात करें, रेंज ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉस एक्स की, तो रेंज होता है इसका माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन होता है ना जी, तो यहाँ देख रहे हैं कि जी लिख देते हैं, रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी परिभाषित है, परिभाषित है, एफ ऑफ जी परिभाषित है। जब परिभाषित हो गया तो अब चेक करेंगे हम लोग एफ ऑफ जी के लिए, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है कॉस एक्स, अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह कॉस एक्स रखना होगा, तो हो जाएगा मोड कॉस एक्स, तो जो कि आपके एच एक्स का वैल्यू है वही आ गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो चूंकि आप देख रहे हैं एफ एक्स बराबर मोड एक्स दिया है और तथा जी एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है, तो दोनों तो संतत फलन है ना जी, संतत फलन है, दोनों संतत फलन है किसी भी रियल वैल्यू के लिए, आपको पता है। तो जब दोनों संतत फलन है तो दोनों का कंपोजिशन जो एफ ऑफ जी है, संयोजन जो है एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, यानी यहाँ पे कह सकते हैं अतः अतः एच एक्स बराबर जो माने हुए हैं, एच एक्स बराबर क्या माने हुए हैं, तो मोड कॉस एक्स एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन। अब जैसे इसको बनाओगे तो आप इसको एच एक्स मान लेना, मैं हिंट दे देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर, पहले साइन है तो इसको अब क्या करना, एफ एक्स को साइन एक्स मानना, ठीक है,
और जी एक्स को जो है ना एक्स स्क्वायर मान लेना और फिर इसको बनाना सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा, आपको डोमेन रेंज सब पढ़ाए हुए हैं, इससे बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट जरूर करना वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।